एक तरफ जहां रफाल में इजरायली फौज पर चौतरफा हमले हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उत्तरी इसराइल बॉर्डर पर लेबनान के हिजबुल्ला ने आरडीएफ को हवाई हमलों से दहला कर रख दिया है। लेबनान बॉर्डर से लगी इजरायली सैन्य चौकियों पर हर सेकंड में हिजबुल्ला के रॉकेट, ड्रोन और अब इसी कड़ी में हिजबुल्ला ने इजरायली सेना को एक और बहुत बड़ा झटका दिया है, जिसमें इजरायली सेना के 5 जवान घायल हुए हैं जबकि एक सेटलर की मौत हुई है। आपको बता दें कि लेबनान की तरफ से आईडीएफ के ऊपर रॉकेट दागे गए थे, जिनकी चपेट में आईडीएफ के ये जवान आ गए। इजरायल के चैनल 12 के मुताबिक मारा गया सेटलर इजरायली सेना को मदद मुहैया करा रहा था, लेकिन हिजबुल्ला ने उसके ऊपर एक एंटी टैंक मिसाइल से हमला कर दिया। हिजबुल्ला ने इस हमले का एक वीडियो भी जारी किया है, जिसमें साफ दिख रहा है कि कैसे हिजबुल्ला का लड़ाका पहले टारगेट को डिटेक्ट करता है और उसके बाद उसके ऊपर एंटी टैंक मिसाइल दाग देता है, और इसके तुरंत बाद जैसे ही सेटलर बाहर की तरफ दिखता है, हिजबुल्ला उसके ऊपर एक और मिसाइल फायर कर देता है, जिसकी चपेट में सेटलर और इजरायली सैनिक आ जाते हैं। और इस हमले से पहले हिजबुल्ला ने आईडीएफ के एक जासूसी नेटवर्क पर भी हमला किया था। हिजबुल्ला ने इजरायली सेना के जासूसी गुब्बारे को निशाना बनाया था, उसके बाद गुब्बारे को लॉन्च करने वाले बेस और बलून कंट्रोल मैकेनिज्म और क्रू मेंबर पर भी रॉकेट दाग दिए थे, जो इस गुब्बारे को ऑपरेट कर रहे थे। हिजबुल्ला ने इसका वीडियो भी जारी किया है, जिसमें ये गुब्बारा उड़ता दिख रहा है। इस गुब्बारे को एडमिट सेटलमेंट के ऊपर तैनात किया गया था। हिजबुल्ला के मुताबिक ये गुब्बारा काफी समय से उसकी जासूसी कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ इजरायली सेना ने इस बात को स्वीकार किया है कि हिजबुल्ला ने एक हमले में जासूसी गुब्बारे को मार गिराया है। ये गुब्बारा लेबनान की सीमा में जाकर गिरा है। इस हमले के अलावा हिजबुल्ला ने गोलन हाइट्स में आईडीएफ की 801 ब्रिगेड हेडक्वार्टर को भी रॉकेट हमलों में निशाना बनाया है। हिजबुल्ला ने इस हमले के बाद मेतलुल्ला सेटलमेंट और अरब अल अर्शमेश सेटलमेंट्स में भी एंटी टैंक मिसाइल से हमला किया है। हिजबुल्ला का दावा है कि उसके इस हमले से इजरायल को भारी नुकसान हुआ है, जबकि इजरायली मीडिया ने अडमेट सेटलमेंट में इस हमले में एक सैनिक के मारे जाने और कई के घायल होने की बात कही है। इजरायली मीडिया ने यह भी दावा किया है कि हिजबुल्ला के हमलों की वजह से आईडीएफ को अपने कई सैन्य अड्डों को खाली करना पड़ा, जिन पर हिजबुल्ला ने जासूसी पोल्स को बर्बाद कर दिया है। इसके अलावा मेरोन सर्वेलियंस एयरबेस पर ड्रोन हमले में भारी नुकसान हुआ है। वहीं किरियत शमोना में तो सेटलर्स को शेल्टर के भीतर रहने का आदेश जारी किया गया है। सीरियन गोलन हाइट्स में कई जगहों पर विस्फोटकों और हवाई हमलों के सायरनों की आवाज़ सुनी गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मेटुला, अबिबिम और अल मलकिया सेटलमेंट में कई मिसाइलें आकर गिरी हैं।